के मुकाबले का कलाम आज उर्दू जबान में मौजूद नहीं। आप तबई शायर थे, आपने फन नात गोई में किसी के सामने जानूंगे अदब फन ना किया, ना रफीउद्दीन सौदा से शेर गोई का सौदा तलब किया, ना मीर दर्द से दर्द की भीख मांगी, ना गालिब के हौसले तखय्युल नुदरत फिक्र शोखी गुफ्तार से सलाह ली, ना हैदर अली आतिश से आतिश निशानी का फन सीखा, ना मोमिन खां मोमिन से लताफत व नजाकत के हुसूल की आरज़ू की, ना ज़ौक़ से महावरात बंदिश अल्फाज की शाइस्तगी का ज़ौक़ तलब किया, मगर इसके बावजूद आपकी नातों में रंगे तखय्युल सोजो गुदाज हुस्न तखय्युल शोखी गुफ्तार नुदरत फिक्र लताफत नज़ाकत बंदिश मुहावरात और अल्फाज की शाइस्तगी बर्खास्तगी बदर्जे अतम मौजूद है। सरकार आला हजरत अजीबुल बरकत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हों ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुकद्दसा में जो अशार कहे हैं जिनको सुनकर सामईन पर वजदानी कैफियत तारी हो जाती है, वहीं दुश्मन रसूल के लिए जो आला हजरत ने शेर कहे हैं वो दुश्मन रसूल के लिए तीर व नश्तर का काम करते हैं। देखिए, इस साल हमें बहुत खुशी है कि हमने जो 5 साल मेहनत की थी उसका समरा आज पूरी आवाम के सामने पेश हो गया है। वो ये है कि सदियों से इंतज़ार था लोगों को कि आला हजरत पर कोई ऐसा इंसाइक्लोपीडिया हो कि जो एक जा जमा होकर लोगों के सामने आए। वो जहाँ इमाम अहमद रज़ा के नाम से यहाँ पेश हो चुका है 20 जिल्दों में, तकरीबन 12,500 सफ़ात पर फैला हुआ है वो, और यहाँ पर आला हजरत की वो नायाब किताब भी मौजूद है जो आज तक नहीं छपी थी, उसको भी लोगों को शिद्दत से इंतज़ार था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रज़ा एकेडमी ने मुसलसल 7 साल उस पर मेहनत की और वो आज आवाम के सामने 16 जिल्दों में अरबी कुतुब पर हवाशी यहाँ मौजूद है और लोग माशाल्लाह यहाँ खूब ले रहे हैं। कौन सी किताबों की ज़्यादा लोगों को डिमांड है यहाँ पर? तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा आला हजरत की किताबें लोगों की डिमांड है। हमारे स्टॉल में जो आते हैं सब यही आला हजरत की किताब पूछते हैं कि फ़तह रज़विया या रसाए रज़विया या हवाशी इमाम अहमद रज़ा या जहान इमाम रज़ा या अदलतुल मक्किया, इस तरह की किताबों को माशाल्लाह पूछ रहे हैं लोग।